ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैटरल एंड मीडियल मेड्युलरी सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल मेड्युलरी सिंड्रोम ऑफ बेल एंड बर्की, जिसमें हमारे पास किसी भी रीज़न की वजह से अगर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की थ्रोम्बोसिस होती है, तो उसकी वजह से जिन एरियाज को ये सप्लाई कर रही है, जो कि हमारे पास लैटरल पार्ट ऑफ द मेड्यूला है, उसका इस्कीमिया हो जाएगा और इस्कीमिया की वजह से जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस स्पेसिफिक लैटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला में कौन कौन से न्यूक्लाई और ट्रैक्स प्रेजेंट हैं, जिसकी बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट्स अगर इन साइन सिम्टम्स के साथ आएगा तो उसे लैटरल मेड्यूलरी सिंड्रोम होगा, यानी कि उसकी जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है उसकी थ्रोम्बोसिस होगी। सो अगर हम देखते हैं कि लैटरल पार्ट में स्ट्रक्चर्स हमें क्या नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस एम्बिगुअस नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे पास वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया हैं वो नज़र आ रहे हैं, मीडियल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, इन्फीरियर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल ट्रैक्ट और स्पाइनल न्यूक्लियस है, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले अगर न्यूक्लियस एम्बिगुअस की बात करें, इसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ग्लॉसोफ्रेंजियल और वेगस, जो कि हमारे पास 9th और 10th क्रेनियल नर्व हैं, उसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, तो बेसिकली अगर जाहिर बात है कि लैटरल पार्ट में ये आ रहे हैं, पाइका की थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो इस केस में ये भी डैमेज होगा और क्या होगा हमारे पास कि पेशेंट में इप्सीलैटरल लेरिंजियल और फेरिंजियल मसल्स की पैरालिसिस होगी। ठीक है, क्योंकि ग्लॉसोफेंजियल और वेगस नर्व फेरिंग्स और लेरिंग्स के मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो इप्सीलैटरल पैरालिसिस ऑफ द फेरिंजियल एंड लेरिंजियल मसल्स सबसे पहले तो नज़र आ गया हमें। उसके बाद क्या है कि वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हैं। अब वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई जब इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, वर्टिगो नज़र आएगा, निस्टिग्मस नज़र आएगा, ठीक है, वॉमिटिंग नज़र आएगी। और वर्टिगो बेसिकली क्या होता है कि अगर पेशेंट कहे कि कमरा घूमता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है, उसे खुद चक्कर नहीं आ रहे, उसे कमरा जो उसके अराउंड चीज़ें हैं वो घूमती नज़र आ रही हैं। इसी तरह निस्टिग्मस है, यानी कि जो हमारे पास आई बॉल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, आई गेज जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, और वॉमिटिंग है। तो ये हमारे पास सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाई, जिन्होंने बैलेंस मेंटेन रखना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, और इनकी इम्पेयरमेंट की वजह से हमें ये साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आ गए। देन ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल ट्रैक्ट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से हमें क्या नज़र आएगा पेशेंट में, इप्सीलैटरल एनल्जीसिया एंड थर्मो एनल्जीसिया नज़र आएगा ऑन द सेम साइड ऑफ फेस। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, इसमें हमारे पास एक्सॉन्स जो एंटर कर रहे होते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट में, उसमें सेंसेशंस होती हैं पेन और टेम्परेचर की, ठीक है, तो अल्टीमेटली जब इसकी लीजन हो जाएगी तो टेम्परेचर और पेन की सेंसेशंस ऑन द सेम साइड ऑफ द फेस पेशेंट को महसूस नहीं होंगी। देन हमारे पास जो है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ठीक है, जो कि बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन द मेड्यूला एंड द सेरिबेलम, ठीक है, तो सेरिबेलर जो पाथवेज है, जो कनेक्शंस है वो इम्पेयर हो गए हैं, जो कि हमारे पास बिटवीन द मेड्यूला सेरिबेलम रन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास इप्सीलैटरल सेरिबेलर डिजीज़ होंगी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास जो सेरिबेलर डिजीज़ है उनमें वर्टिगो आ जाता है, सेरिबेलर एटैक्सिया आ जाता है, एंड इसके अलावा डिसडाइडोकोकाइनेसिया, डिसआर्थ्रिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल की नॉन फंक्शनिंग की वजह से नज़र आ गया। देन लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, इसमें कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस होंगी पेशेंट में, क्यों, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इसके जो ट्रैक्स के फाइबर्स हैं वो डीकसेट करते हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो राइट पार्ट ऑफ द मेड्यूला है, ठीक है, उसका जो राइट लैटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला है उसकी जो है इस्कीमिया हो गया था। अब राइट से तो यहाँ से फाइबर्स जो है निकल गए, स्पाइनल कॉर्ड में जाके डीकसेट किए और वो चले गए ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो हमारे पास अगर राइट साइड का लीजन है तो उस पेशेंट को लेफ्ट साइड पे जो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस है वो फील नहीं होंगी, ठीक है, ड्यू टू द डीकसेशन ऑफ द फाइबर्स।
और इसके अलावा इस डायग्राम में तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स भी लैटरल पार्ट में से रन कर रहे होते हैं, तो उसकी इम्पॉर्मेंट की वजह से इप्सी लैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम में बेसिकली यही होता है कि जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाती है ड्यू टू द लीजन ऑफ द डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स, जिसकी वजह से पेशेंट में जो पैरासिंपैथेटिक पार्ट है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो उसमें की जो प्यूपल्स होंगी वो कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, इसी तरह जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारे पास डाइजेशन है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है उसकी स्टिमुलेशन होगी, जबकि सिंपैथेटिक पार्ट में जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। सो हमने क्या बात की कि लैटरल पार्ट है उसमें हमारे पास किसकी थ्रोम्बोसिस की वजह से जो है ये सिंड्रोम हो रहा है, ड्यू टू द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन हमारे पास क्या क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस एम्बिगुअस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इप्सी लैटरल लॉस या पैरालिसिस ऑफ द फेरिंजियल एंड लैरिंजियल मसल्स हो रहा था। वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाई की वजह से बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने जो है वो याद है कि हमें जो वेस्टिब्यूलर नर्व है उसने क्या करना है, बैलेंस इक्विलिब्रियम वगैरह की सेंसेशंस को लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो आगे फर्दर पास कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वर्टिगो नॉज़िया एनास्टिग्मस हो जाएगा, एनिफियर सेरिबेलर पेटंकल, इसकी वजह से सेरिबेलर डिजीज हो जाएंगी, इप्सी लैटरल, ठीक है, स्पाइनल ट्राइजेमिनल नर्व था, ठीक है, इसकी वजह से थर्मोनेजीसिया, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ फेस लैटरल स्पाइन। बस ये याद रखना है कि सारी चीज़ें इप्सी लैटरल हैं, ठीक है, हमारे पास जो इन सब का इफेक्ट, और इसके अलावा डिसेंटिंग जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं उसकी इन्वॉल्व की वजह से भी हमारे पास इप्सी लैटरल हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा था। ठीक है, सिर्फ जो कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा डैट विल बी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में जाके इसके फाइबर्स डिकसेट होते हैं, देन हमारे पास इन द ब्रेन स्टेम आ। ओके, सो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम बेसिकली किस वजह से होता है, वर्टिकल आर्टरी की थ्रोम्बोसिस की वजह से, जिसमें हमारे पास मिड लाइन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, पिरामिडल ट्रैक, मीडियल मेनिस्कस एंड हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। अब पिरामिडल ट्रैक में कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर्स रन कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली वॉलेंट्री मूवमेंट्स मसल्स की मूवमेंट करवा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमिपैरेसिस हो जाएगी, विच इज़ द पार्शियल वीकनेस। ठीक है, एक साइड के जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, पैरेसिस मीन्स वीकनेस, पीजिया मीन्स पैरालिसिस, तो इस केस में क्या हो रहा है, हेमिपैरेसिस हो रहा है। कॉन्ट्रालेटरल क्यों है, क्योंकि कॉर्टिकल स्पाइनल जो लैटरल स्पाइनल ट्रैक्ट है उसके लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में फाइबर्स की डिकसेशन हो रही है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो इंटीरियर कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स की डिकसेशन हो रही है। तो अगर राइट साइड ऑफ द मिड लाइन ऑफ मेडुला का लीजन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फाइबर्स नीचे जाके डिकसेट करेंगे, और जो इफेक्ट है वो अपोजिट साइड पर हमें नजर आएगा, डैट इज जो हेमिपैरेसिस है वो नजर आएगी मसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड में। ठीक हो गया, देन वी हैव द मीडियल लेमिनिस्कस, इसकी वजह से भी हमें क्या नज़र आएगा, कॉन्ट्रालेटरल जो कुछ सेंसेशंस हैं लाइक पोजीशन सेंसेस, वाइब्रेशन सेंसेस, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्पेयर हो जाएंगी, क्योंकि मीडियल लेमिनिस्कस में हमें पता है कि फेसिकल्स ग्रेसिनस और क्यूनिएटस के फाइबर्स आते हैं, देन वो हमारे पास जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसके क्यूनिएट और ग्रेसाइल ट्यूबरकल के साथ साइनैप्स करते हैं, एंड देन फर्दर वो आगे जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो सेंसेशंस कैरी करके लेके जा रहे होते हैं फाइबर्स, डाइट और ऑफ प्रेशर, वाइब्रेशन टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, तो ये बेसिकली हमारे पास जो सेंसेशंस हैं वो भी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जो है इम्पेयर होंगी ड्यू टू द डिकसेशन ऑफ फाइबर्स। देन हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, इसमें जो हमारे पास टंग के मसल्स हैं उसकी पैरालिसिस होगी, बट ये इप्सी लैटरल होगा। ठीक है, अगर राइट साइड की लीजन है तो राइट साइड की जो है वो टंग की तो पैरालिसिस होगी, बट जब वो प्रोट्रूड करेगा टंग को तो वो हमारे पास राइट साइड ही पे डेविएट करेगी टंग। ठीक है, राइट साइड पे डेविएट करेगी मीन्स कि लीजन इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो सिर्फ जो हमारे पास मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है उसमें एक चीज़ है जो कि इप्सी लैटरल है और बाकी दोनों चीज़ों का इफेक्ट कॉन्ट्रालेटरल है, जबकि लैटरल में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से हमारे पास जो इफेक्ट था वो कॉन्ट्रालेटरल था और बाकी चीज़ों का इफेक्ट जो है वो इप्सी लैटरल। सो दैट इज ऑल अबाउट मीडियल एंड लैटरल।